क्या आप पहली बार एयरपोर्ट जा रहे हैं? और क्या ये आपकी पहली फ़्लाइट है? और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कैसे क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ से क्या कलेक्ट करना है? तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, हम आपको बताएंगे। हाँ, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये वाली वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो शुरू करते हैं फिर। तो जो सबसे पहला काम होने वाला है वो होने वाला है टिकट बुकिंग का। हाँ, तो आप जिस भी दिन आपको ट्रैवल करना है, आप सबसे पहले फ़्लाइट टिकट बुक करिए। बस फिर क्या है, फिर जो भी आपका सबसे कन्वीनियंट वे हो एयरपोर्ट पहुंचने का, आप वो चूज़ करिए। जैसे कि मैंने कैब चूज़ की है यहाँ पे, आप मेट्रो से भी आ सकते हो, रैपिडो हो गया, या घर में कोई है आपको जो ड्रॉप कर सकता है एयरपोर्ट तक, वो सबसे बेस्ट है। हाँ, और फिर आपको जो बात ध्यान रखनी है वो है कि आपको एयरपोर्ट फ़्लाइट से करीब 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। हाँ जी, 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है, क्योंकि कभी कभी इतना ट्रैफिक होता है और एयरपोर्ट भी काफ़ी टाइम लगता है। किस्मत अच्छी हुई आपकी तो बहुत जल्दी हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हाँ, आप 1.5 घंटे पहले पहुंची सेफ साइड के लिए। तो जैसे कि हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, आप तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ट्रॉलीज मिल जाएंगी। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप ट्रॉली ले लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास सिर्फ एक हैंड बैग है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं बिना ट्रॉली के। बस, और एयरपोर्ट जल्दी पहुंचने का कारण ये लंबी लाइन, हाँ इसीलिए जल्दी आना है। और यह गेट था जहाँ से हमारी एंट्री हुई। आपको यहाँ अपनी टिकट और आईडी दिखानी होगी, ठीक है? और आपको आईडी अपनी ले कर चलनी है, अगर नहीं है तो आपके पास डिजिटल ही होनी चाहिए, डिजी लॉकर में या एम आधार में। फिर जो दूसरा काम वो आपको करना है कि आपने कौन सी फ़्लाइट बुक करी है, आपको उसका काउंटर यहाँ पे ढूंढना है। काउंटर ढूंढने के बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो आप उनको अपनी टिकट दिखाइए और आईडी दिखाइए, वो आपको बोर्डिंग पास देंगे जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें कि आपकी डिटेल्स हैं कि आपको कौन से गेट से बोर्डिंग करनी है और बोर्डिंग टाइम और आपकी सीट नंबर वगैरह वगैरह। और हाँ, आपके पास अगर बैग है, अगर 7 kg का है तो आप अपने साथ सीट पर लेके जा सकते हो, अगर उससे ज़्यादा है तो आपको वहीं पे जमा करना पड़ेगा, जो कि आपको जहाँ पे लैंड करोगे एयरपोर्ट पे वहाँ आपको मिल जाएगा। तो बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम है वो है सिक्योरिटी चेक का। हाँ, इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है लोगों का, और जितना जल्दी ये क्रॉस कर लेंगे उतना अच्छा होगा, फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा रूल्स के नहीं दिखा सकता। बाकी यहाँ करना क्या होता है वो बताता हूँ आपको। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या पर्स, बेल्ट, जितना भी सारा सामान होता है आपको अपने से निकाल के ये ट्रे मिलती है यहाँ पे रखना है, फिर वो भी चेक होता है आपके साथ साथ, फिर आप निकलिए वहाँ से। बाकी आगे चेक होके जो आएगा सामान कलेक्ट कर लीजिए, वापस से रखिए सब, फिर अपना बोर्डिंग पास लेके आप आगे जा सकते हो। और अगर आप घर से कुछ नहीं खा के आए हो या आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है तो आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी यहाँ पर, आप कुछ भी खरीद सकते हो, या अगर आपको भूख लगी तो आप खा सकते हो। अगर आपके पास जैसा टाइम है वैसा करिए, जैसे कि हम लोग तो बहुत लेट हो रहे थे क्योंकि ऑन टाइम थे एकदम, तो बस फटाफट भागना था यहाँ से। तो जैसा कि दिल्ली का एयरपोर्ट इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर आपको वॉशरूम वगैरह भी जाना है तो सारी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं बस। और यहाँ पर सारे साइंस वगैरह हैं कि आपको कौन सा गेट किस साइड है, बस आप अपने गेट के हिसाब से जा सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दिल्ली एयरपोर्ट इतना बड़ा है यार, इतना वॉकिंग करना पड़ रहा है, मतलब आपका टाइम पता ही नहीं चलेगा भाई कि आप जल्दी आए थे, सब चला जाएगा ऐसे ही वॉक करने में। और यहाँ पे अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग पेशेंट है तो उनके लिए भी सारी सुविधाएं हैं, जैसे ये कार वगैरह है, ये आपको ड्रॉप कर सकती है आपके गेट तक, और कई सारी ऐसी सुविधाएँ हैं, व्हील चेयर वगैरह भी मिल जाएंगी आपको अगर आप खुद जाना चाहते हो उनके साथ तो भी। और जैसे ये देखिए, जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको ये मिल जाएंगी एलिवेटर्स, स्लाइडिंग एलिवेटर्स, ये आपको चलने से बचाते हैं। आप जाइए और इन पे नॉर्मली खड़े हो जाइए, ये आपको आगे लेते हुए चले जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया यार, हम लोग ऑन टाइम है तो यार इस पे भी चलना पड़ रहा है, तो बस जाहिर सी बात है हम डबल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और इतना बड़ा एयरपोर्ट है तो ये चीज़ आपको बहुत ही मदद करेगी, आपको चलने से आपका काफ़ी एनर्जी बचेगा, क्योंकि ये सच में काफ़ी एकदम, हमारा जो गेट है वो तो 36 है, वो एकदम लास्ट है। जैसे कि देखिए, अभी हम पहुंच गए अपने गेट पे और अभी भी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है।
तो जब भी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये लोग अनाउंसमेंट करते हैं। और इसमें होता क्या है, जो लोग बिजनेस क्लास वाले होते हैं, मतलब सेम फ्लाइट होती है, बस इसमें ये होता है कि अगर आप बिज़नेस क्लास लेना चाहते हो सीट या इकनॉमी, उसका डिफरेंस होता है। जो लोग बिज़नेस क्लास लेते हैं और वो इकनॉमी से तो महंगी होती है, जाहिर सी बात है, और उनकी फैसिलिटीज़ भी थोड़ा अलग होती हैं, सीट भी थोड़ा अच्छी होती हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो उन्हें पहले बुलाया जाता है, बाकी जैसे इसमें था पहले बिज़नेस वालों को बुलाया गया, फिर अभी इकनॉमी वाले, और इसमें है क्या, जो सीट पीछे हैं पहले उन्हें बुलाया जा रहा है। जैसे कि मेरी 31 है तो मैं पहले जा रहा हूँ, और ये अच्छा भी है, पहले जाके बैठ जाएंगे आराम से, फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग यार पहली बार जा रहे हैं फ़्लाइट से, उनके लिए तो सब कुछ नया सा ही एक्सपीरियंस होगा, और इतना एक्साइटिंग होगा, मज़ा आएगा सब कुछ पहली बार देख के कि क्या क्या हो रहा है। बढ़िया लगता है, जब मैं भी गया था पहली बार तो बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आती है। और यहाँ पे एक बार और आपकी टिकट चेक होगी, और ये लोग गाइड करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप इनसे पूछेंगे तो आपको गाइड कर देंगे। बस उसके बाद डायरेक्ट हम लोग फ़्लाइट में चले जाएंगे। ऐसा कभी कभी होता है कि अगर फ़्लाइट दूर है तो आपको बस से भी ले जाते हैं, बट हमारी फ़्लाइट पास में ही थी तो डायरेक्ट अंदर ही अंदर चले आए, और ये अलग ही फील होता है। और फिर कुछ इस प्रकार आपकी एंट्री होगी, से जो पीछे सीट थी वो बिज़नेस क्लास थी और ये नॉर्मल इकोनॉमी क्लास, डिफरेंस बस सीट का होता है और थोड़ी सी फैसिलिटी का होता है, बाकी प्लेन एक ही टाइम पे पहुंचेगा। हाँ, प्राइस का भी बहुत अंतर होता है यार। और ये केबिन्स होते हैं आपकी सीट के जस्ट ऊपर, आप यहाँ पे अपना लगेज रख सकते हो, और ये सीट नंबर्स होते हैं आपकी टिकट में, जैसे भी होगा आप उसी हिसाब से बैठ जाइए अकॉर्डिंग टू। और बस थोड़ी देर में ही आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि फ़्लाइट में कहाँ इमरजेंसी एग्ज़िट है और आपातकालीन स्थिति में क्या करते हैं वगैरह वगैरह। फिर हाँ, और ये अपना मील आ गया है, ये हाँ हर फ्लाइट में ऐसा नहीं होता है कि आपको मील मिले, बस एयर इंडिया में ही है कि वो टिकट में ऐड हो जाता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। बाकी आप कोई भी अदर फ्लाइट में जाएंगे तो आपको अगर चाहिए मील तो आप बुकिंग के टाइम पे भी ऐड करा सकते हो, या फिर जब ये लोग फ्लाइट में देते हैं तो आप उनसे ख़रीद भी सकते हो ऑन बोर्ड ही, वो आपको मिल जाएगा। बाकी ये एयर इंडिया का था, बट इसमें जो है था ये हमारा मील जो है पहले से इंक्लूडेड था। बाकी मुझे लगता है अभी तक सब में ही होता है, जो भी एयर इंडिया से ट्रैवल करता है उन सब में मील इंक्लूड रहता है, और एक लोगों के लिए सफिशिएंट खाना अच्छा होता है, बढ़िया रहता है। और दिल्ली से लखनऊ की फ़्लाइट थी मेरी, तो करीब 45 मिनट में ही आ गए, और इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको सीट बेल्ट साइन रहता है, ये आपको तब तक बांधे रखना होता है जब तक पायलट बोले ना, उसके बाद आपको प्लेन डीबोर्ड करना है, आप पहुँच जाते हैं, अपना लगेज निकालिए और आराम से, आप जैसे ही आपको लगे खाली है अब आप आराम से कंफर्टेबली जा सकते हैं फ्लाइट से बाहर, आप जाइए। और जिस प्रकार से हमने एंट्री करी थी सेम वही है, वापस भी वैसे ही जा रहे हैं, बस से नहीं जाना पड़ रहा हमें, प्लेन पास में ही आ गया, तो अपना आराम से अंदर ही अंदर बढ़िया आराम से निकल जाएंगे। और अगर आपका कोई बड़ा लगेज भी था तो वो आपको यहाँ से जाने के बाद थोड़ा अंदर जब जाएंगे एयरपोर्ट पे तो आपको वहाँ मिलता है, बाकी आप आराम से, अगर आपके पास सिर्फ हैंडबैग है तो आप अपना हैंडबैग निकालिए केबिन से वहीं ऊपर से, और आराम से जा सकते हैं बाहर बिना किसी देरी के। और अगर आपके पास है बड़ा सा लगेज तो वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कौन सी बेल्ट पे आने वाला है आपका लगेज, बस आप वहाँ जाइए आराम से अपना बैग देखिए, और उस पर नेम वगैरह भी लिख देते हैं, टैग लग जाते हैं वहाँ, तो आपको पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना बैग आराम से उठाइए, बस आप अपने बाहर की तरफ चलिए एयरपोर्ट के। और आप जब एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आपको कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली आराम से बाहर आ सकते हो। तो बस कुछ ऐसा था, ये चीज़ें होती हैं एयरपोर्ट पे। और अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ, या अगर आपको लगता है कि ये मैंने नहीं बताया, या आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो होपफुली अच्छा लगा आपको वीडियो।